अब हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी दी गई है पेज नंबर 3 पे उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे दिया है, फिल इन द प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं उसको हमें फिल करना है। ओके तो देखिए यहाँ पे एक फिगर दी गई है जैसे कि जिसमें ट्रिएंगल है ए बी सी, ये एक ट्रिएंगल है, दूसरा है ए पी क्यू। ओके एंड ए आर इज द हाइट, तो दोनों ट्रिएंगल की स्ट्रेट हाइट है तो ए आर दोनों की हाइट है। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, हमें दिया गया है एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए पी क्यू, मतलब इन दोनों ट्रिएंगल के रेशियोज दिए गए हैं। तो दोनों ट्रिएंगल के रेशियोज उनके बेस एंड हाइट के प्रोडक्ट के रेशियोज के इक्वल होते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए राइट करते हैं एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी। अब ए बी सी, ए बी सी का बेस क्या है, बी सी इंटू हाइट, ए बी सी की हाइट क्या है, ए आर। ओके अनदर ए पी क्यू, ट्रीएंगल ए पी क्यू का बेस क्या है, सी दिस इज ए पी क्यू, ए पी क्यू का बेस क्या है, पी क्यू, एंड ए पी क्यू की भी हाइट ए आर ही है, राइट। तो देखिए दोनों ए आर ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेन रहेगा बी सी अपॉन पी क्यू। तो मतलब जो हमने केस फर्स्ट में पढ़ा था कि ऐसे दो ट्रिएंगल जिनकी हाइट सेम होंगी पर बेसेस अलग अलग होंगे, तो उन दोनों ट्रिएंगल्स के एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग बेसेस के रेशियोज के प्रपोर्शन में होता है, राइट। अनादर थिंग, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें दो ट्रिएंगल्स दिए गए हैं, एल एम एन एंड दूसरा है डी एम एन। इनके भी एरियाज के रेशियोज है, मतलब यहाँ पे भी हमें उनके बेस एंड हाइट राइट करने हैं। तो चलिए एल एम एन का बेस है एम और उसकी हाइट क्या है, एल पी। ओके देन डी एम एन का बेस है एम एन और उसकी हाइट है डी क्यू, तो एम एन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेन रहेगा एल पी अपॉन डी क्यू, एल पी अपॉन डी क्यू। तो ये दो एक्टिविटीज थी, अब हमें तीसरी एक्टिविटी सॉल्व करनी है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्टिविटी 3। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए बी सी, हमें ये एक ट्रिएंगल दिया गया है और सीएम जो है वो उसकी मीडियन है। देखिए यहाँ पे दिया है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट ए बी, एम जो है सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है एंड सीएम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रिएंगल ए बी सी, एंड सीएम क्या है, ट्रिएंगल ए बी सी की मीडियन है। तो देखिए सी एम हाइट नहीं है, तो देखिए ए एम सी, तो हमें यहाँ पे राइट करना है ए एम सी अपॉन बी एम सी का रेशो। तो देखिए ए एम सी, कैन यू सी ए एम सी एंड बी एम सी, इन दोनों ट्रिएंगल की अगर हाइट हमें ड्रॉ करनी होगी तो वो ये होगी। ओके तो ये होगी इनकी हाइट। अब देखिए एम ए बी का मिड पॉइंट है तो मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, राइट, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो एम इज इक्वल टू एम बी। तो अब देखिए हाइट सी एन ही क्यों हाइट होगी, तो देखिए इनके जो बेसिस है वो सेम लाइन पे है, राइट। देखिए जैसे कि ए एम सी हमारा फर्स्ट ट्रिएंगल है, तो ए एम सी का बेस कौन है, ए एम। दूसरा ट्रिएंगल है बी एम सी, उसका बेस कौन है, बी एम। तो देखिए ए एम एंड बी एम ये एक ही लाइन पे है, राइट, एंड दोनों ट्रिएंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है, सी। तो देखिए सी से लेकर इस बेस तक का डिस्टेंस दोनों का सेम है, राइट, और ये डिस्टेंस सेम है तो यही यही हाइट का डिस्टेंस है, इसलिए दोनों की हाइट भी क्या है, सेम है। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे राइट करना होगा एरिया ऑफ अ ट्रिएंगल ए
बीएमसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमसी। तो अकॉर्डिंग टू रेशोज का जो एरिया के रेशोज का जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? देखिए एएमसी का बेस क्या है? एएम, ओके, इनटू हाइट क्या है? सीएम अपॉन बीएमसी। बीएमसी ट्रायंगल का बेस क्या है? बीएम एंड इनटू हाइट क्या है? सीएन। देखिए सीएन सीएन भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? अब बचेगा कौन? एम अपॉन बीएम। तो एम अपॉन बीएम, तो एम इज इक्वल टू बीएम है, तो यहां पे भी हम लोग देखिए क्या राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमसी इज इक्वल टू एएम। तो एएम इज इक्वल टू बीएम है, तो बीएम की प्लेस पे भी हम लोग एम राइट कर सकते हैं, तो ये भी एम एम कैंसिल हो गए, तो सारे कैंसिल हो गए। मतलब यहां पे सिर्फ, मतलब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये स्टेप रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एएमसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमसी क्या होगा? यहां पे हमारा बचा था एम अपॉन एम, राइट? तो ये अगर दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे वन अपॉन वन बचेगा, तो इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा? वन। तो ये थी हमारी एक्टिविटी थ्री। तो इसी के साथ हमने सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।